हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिकेट टॉक शो टीवी के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा चर्चित टॉपिक के बारे में, जहां पर काफ़ी सारी खबरें निकल के आ रही हैं कि रविंद्र जडेजा छोड़ने वाले हैं 2023 में चेन्नई सुपर किंग की टीम को। अब दोस्तों इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये न्यूज़ आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि 2022 के जो मिड में जहाँ पर इंजरी हुई थी उसके बाद रविंद्र जडेजा बिल्कुल भी टच में नहीं है सीएसके की टीम के। उसके बाद दोस्तों अब ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है और हमने देखा है कि कभी रविंद्र जडेजा सीएसके के जो होम पेज था उसको भी अनफॉलो किया था इंस्टाग्राम पे, और फिर ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चलती रहीं और सीएसके का जो होम पेज है इंस्टाग्राम का उसने भी रविंद्र जडेजा को अनफॉलो किया था। तो ऐसी सब स्थिति को देखते हुए तो लग तो यही रहा है कि रविंद्र जडेजा को सीएसके की टीम रिलीज़ करने वाली है, या फिर वो खुद से सीएसके की टीम के साथ अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते। लेकिन अब आगे चलकर 2023 में कौन कौन सी वो टीमें हो सकती हैं जो कि रविंद्र जडेजा को टारगेट कर सकते हैं, दोस्तों आइए जानते हैं। वैसे तो दोस्तों हर टीम के पास इतना ज़्यादा पर्स नहीं है कि वो रविंद्र जडेजा को एक्वायर कर पाएँ, क्योंकि उनके जो सारे मेन प्लेयर हैं उनमें ही बड़े बड़े अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी। तो ऐसे में अब कौन कौन से वो टीमें हैं जो कि इनको टारगेट कर सकते हैं अपने पैसों से, चलिए जानते हैं। पहली टीम दोस्तों, पहली टीम निकल के आती है पंजाब किंग्स की टीम, और मोस्ट लाइकली यह वो टीम होने वाली है जो कि रविंद्र जडेजा को 99.99% रविंद्र जडेजा को अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो खरीद लेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये शाहरुख खान को रिलीज़ करेंगे, ओडिन स्मिथ को रिलीज़ करेंगे और अगर एक दो प्लेयर को और रिलीज़ कर देंगे तो इनके पास ऑलमोस्ट 20-22 करोड़ का पर्स बनेगा, जहां पर रविंद्र जडेजा तो आ ही जाएंगे और साथ में कुछ आप अनकैप्ड इंडियन को भी खरीद सकते हो जो कि आपको कम बजट में मिल जाएंगे। वहीं आप ओवरसीज़ खरीदना चाहो तो एक दो आप ओवरसीज़ खिलाड़ी को भी खरीद लोगे। और बात करें रविंद्र जडेजा की प्राइस की, कितने वो बिक सकते हैं, तो आराम से 16-17 करोड़ में रविंद्र जडेजा इस बार बिक सकते हैं, ये मैक्सिमम बताएं। इससे ज़्यादा आपको बिकते हुए शायद ना दिखें और 15 करोड़ से कम शायद आपको बिकते हुए ना दिखें। तो इस रेंज में आपको रविंद्र जडेजा बिकते हुए दिखेंगे और पंजाब किंग्स की वो टीम होने वाली है जो कि इनको 100% एक्वायर कर सकती है। अब दोस्तों दूसरी टीम है वो है कोलकाता नाइट राइडर की टीम। अब दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर की टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है रविंद्र जडेजा की, जैसे कि पंजाब किंग्स को जरूरत है। तो फिर दोस्तों अब इनके पास भी वही मिडिल ऑर्डर का मसला है जिसको ये सुलझाना चाहेंगे रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में लेकर, जहां पर ये वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर और पैट कमिंस जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर रविंद्र जडेजा को आराम से अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। अगर ये जो है वेंकटेश को ना भी रिलीज करें तो भी दोस्तों वरुण चक्रवर्ती और फिर यहाँ पर पैट कमिंस और एक दो खिलाड़ी कुछ ऐसे हैं जिनको ये टीम रिलीज कर आराम से रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। बात करें दोस्तों अब तीसरी टीम की, तीसरी टीम होने वाली है दोस्तों मुंबई इंडियन की टीम। मुंबई इंडियन की टीम के लिए दोस्तों थोड़ा रविंद्र जडेजा को खरीदना पेचीदा हो सकता है, लेकिन अगर जाना चाहें तो ये जा सकती है। पहला रीज़न, अगर ईशान किशन को रिलीज़ कर दे, अगर ईशान किशन को रिलीज़ करेंगे तो 15.5 करोड़ तो वहीं से फ्री हो जाएंगे, तो आप उन्हीं अमाउंट में रविंद्र जडेजा को खरीद सकते हो और शायद आपको ईशान किशन इस बार ऑक्शन में इतने ज़्यादा शायद महंगे बिकते हुए ना दिखें। अगर आप ईशान किशन को रिलीज़ करोगे तो आप रविंद्र जडेजा को ले पाओगे। वहीं कैरन पोलार्ड को आप रिलीज़ कर किसी ओवरसीज प्लेयर की तरफ जा सकते हो और एक विकेट कीपर को या फिर किसी इंडियन विकेट कीपर को खरीद सकते हो, जहां पर अनुज रावत एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जो कि आपको ओपनिंग करके देंगे, विकेट कीपर वो खिलाड़ी करना जानता है। तो ऐसे में ये बैलेंस बना सकती है मुंबई इंडियन की टीम। अब दोस्तों मेरे हिसाब से ये तीन टीमें होने वाली हैं जो कि मोस्ट लाइकली रविंद्र जडेजा को खरीदने की मादा रखती हैं। वैसे टीम तो सारी चाहेंगी रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी को खरीदना, लेकिन बजट हर टीम के पास इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है। चाहे विराट कोहली की आरसीबी की बात कर लीजिए, चेन्नई की टीम वैसे ही नहीं खरीदेगी। इसके बाद बात कर लीजिए आप गुजरात टाइटंस की, लखनऊ की, तो किसी के पास भी इतना ज़्यादा पर्स नहीं होने वाला है कि 20-22 करोड़ उनके पास पर्स रहे, क्योंकि एक खिलाड़ी से तो टीम चल नहीं सकती, एक दो खिलाड़ी और भी खरीदने पड़ सकते हैं आपको जब इतने सारे खिलाड़ी आप रिलीज़ करेंगे एक खिलाड़ी की वजह से। तो ऐसे में दोस्तों अब ये तीन टीम मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा को खरीद सकती हैं। अब आपको क्या लगता है आप अपनी राय का जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।